हमारे हैप्पी होली हमारे डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर संदीप नहीं हूँ। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज 25 तारीख है और आज होली भी है और चलते हैं होली में थोड़ा गश्त पे निकलते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या माहौल चल रहा है। और उससे पहले अपने दोस्त सकीम भाई को ले लेते हैं, उनका घर यहाँ हमारे घर से करीब में ही है, तो उनको पहले पिक कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं। और ये हेलमेट आप देख सकते हैं वाइट कलर का, ये मेरे घर पे 2-3 दिन से पड़ा था, ये एक मेरे दोस्त का है। तो चलिए आज इसको लगा के और फिर चलते हैं शूट पे। और कुछ रील्स वगैरह भी शूट करना है हमें इंस्टाग्राम के लिए, तो वो भी शूट कर लेते हैं इस नए हेलमेट के साथ। और आप इन दो सब्सक्राइबर को देख सकते हैं मेरे, हेलो 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 हेलो। इनका जादू आप देखे हैं कि नहीं? कल इनका एक मैंने एक शॉर्ट डाला था यूट्यूब पे, हाथ में बांध, उसको आप जाके देखिएगा, काफी अच्छा ये जादू दिख रहा है। बाय बाय। तो चलिए चलते हैं सकीम भाई को पिक करने, पिक करके फिर निकलते हैं। हेलमेट देख सकते हैं और ये हेलमेट लगाने के बाद ये लोग समझ रहे हैं कि मैं रेस करने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ मैं? रेस करने। इन लोग को लग रहा है कि मैं रेस करने जा रहा हूँ। तो अभी हम सकीम भाई के घर पे आ गए हैं और चलिए बुलाते हैं उनको। और उससे पहले ये हेलमेट थोड़ा डेंजर है, इससे चश्मा निकालते हैं उसके बाद हेलमेट को निकालते हैं। सकीम भाई, और ये हमारे सकीम भाई का घर है और ये रहे बीमार आदमी, और ये पहले से काफी इनके बीमारी में सुधार है। वालेकुम अस्सलाम। सलाम, खैरियत है? बढ़िया। पैर क्या हाल चाल है आपके? पैर का ठीक ठाक है? ठीक है। हाँ। तो आज होली है तो चलिए गश्त पे निकलते हैं, देखते हैं। तो ये क्यों पहने हैं आज? क्या पहने हैं? ये क्यों? अच्छा, ये चीटर। असल बात है, थोड़ा हवा चल रहा है और अंदर हाफ टी शर्ट पहने थे तो ऊपर से डाल लिए इसको, तो लुक भी बढ़िया देगा जी। चलिए, और आरिफ भाई जी, हम देखते हैं आप हमेशा टूटे फूटे और ये कच्चे रास्ते से आते हैं, ऐसा क्यों है? असल बात है, मुझे ऑफ रोडिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए आपने देखा होगा अक्सर मैं इन कच्ची रास्तों पे और टूटे फूटे रास्तों पे खेत उत में गाड़ी ज़्यादा चलाता हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ऐसा करके, सुकून मिलता है टूटे फूटे रास्तों पे। और जो ये ऐसा जो रास्ता है, जो ये अच्छा रास्ता है, इससे इस पर तो सब कोई चलाता है, इस पर तो चलाते ही हैं लोग, लेकिन इन रास्तों पर चलाने का मज़ा ही अलग है। चलिए, तो आज होली का दिन है और रोड वगैरह काफ़ी खाली है और धूप काफ़ी तेज हुई है, लग रहा है ये जैकेट पहन के मैंने गलती कर लिया। चलिए इस जैकेट को निकालते हैं और फिर चलते हैं मार्केट की तरफ, उससे पहले कुछ रील वगैरह हम लोग शूट कर लेते हैं अपने। मार्केट में क्या करने जाएगा? मार्केट में चलिए थोड़ा होली खेलने हैं। होली भी खेल लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि मार्केट जाके हम लोग गलती कर रहे हैं, आज के दिन हमें जाना नहीं चाहिए क्योंकि सभी लोग होली वगैरह खेलने में बिजी रहते हैं और रंग आपके ऊपर हो सकता है, तो बाद में आप उन लोगों को ब्लेम करेंगे। तो हमारे पीछे जो है वो पडोना का पीडी मॉल है, आप पीडी मॉल जरूर आए होंगे अगर पडोना के आप हैं तो। और ये ज्यादातर जो है मार्केट की दुकानें बंद हैं और ये होली का जो सामान मिलता है वो डांस चल रहा है यहाँ पे। और ये V2 मॉल जो है ये भी खुला हुआ है आज के दिन। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं रंग लगाया जा रहा है एक दूसरे को। और अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने पडोना के सुभाष चौक पे, तो ये रहा हमारे पडोना का सुभाष चौक जो इस वक्त काफी खाली दिख रहा है और एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ है। अभी तक ज्यादातर लोग जो है वो घरों में अपने होली खेल रहे हैं और अभी 1-2 घंटे बाद जब और मौसम बढ़िया होगा, धूप होगा, तब वो बाहर निकल के रोड पे होली खेलेंगे।
अभी जो रोड है वो पूरा खाली दिख रहा होगा आपको। तो अभी हम जा रहे हैं नौका टोला चुन्नी से अंदर मार्केट की तरफ। चलिए देखते हैं इधर क्या माहौल देखता है। और ये हमारे जावेद भाई, फरीद भैया और साजिद भैया, ये लैब वाले भाई मेरे आज भी लैब खोल के बैठे हुए हैं। तो अभी नौका टोला हम लोग ढाले पे है। ढाला ज्यादातर ये बंद ही रहता है लेकिन आज खुला हुआ है। होली मुबारक हो। मुबारक हो आपको भी होली। लड़का राकेट लिया हुआ है, लड़के ने जबरदस्ती हम लोग के ऊपर पानी फेंक दिया है। लेकिन मैं उसको मना करते रह गया हूँ लेकिन नहीं माना। तो ये चीज़ें गलत हैं, आप गलत काम ना करें। होली खेल रहे हैं खेलिए, लेकिन रोड पे चलते इंसान के ऊपर आप लोग पानी या फिर रंग ना फेंके। अगर वो रंग लगाया हुआ है तब तो समझ में आ रहा है, खिला सकते हैं। लेकिन अगर वो सादा रंग वगैरह नहीं लगाया है तो आप इन रंग ना लगाएं, ये गलत बात है। तो इस चीज़ों से बचें। अभी हम लोग धर्मशाला रोड पे और इधर कुछ दुकानें खुली हुई हैं, ज्यादातर कपड़े की दुकानें खुली हुई हैं। और एक कसम्मत जो जलाया गया था उसका एक छोटा सा झलक। और चलते हैं कसरा टोली की तरफ। मैं यही रहने वाला हूँ लेकिन अचानक कोई ऐसी जगह आ जाती है उसका नाम याद नहीं आता है। तो मेरे सचिन भाई जो मेरे दोस्त है वो नाम दिला देते हैं। ये लग रहा है हाथ से बना है, दिखाइए इसको जरा, उसको जरा करीब से दिखाइए। और ये 2 लीटर के पतले गलियों से गुजर रहा है। पतले गलियों जाने का रीजन ये है कि आगे बहुत भयंकर होली चल रहा था और वहाँ हम लोग नहीं बच पाते, इसलिए हम लोग छिप के और गली गली अंदर से जा रहे हैं। कौन सी जगह है ये चुनी और अक्सर मुझे टाइम पे नाम याद नहीं आता है। और ये एक छोटी सी दुकान खुली हुई है और यहाँ भी काफी खाली खाली सा माहौल लग रहा है। तो लग रहा है हम लोग पहले आ गए हैं। फिलहाल चलते हैं नवजीवन हॉस्पिटल की तरफ जहाँ मैं काम कर चुका हूँ 2-3 साल डॉक्टर सनी कोविंद श्रीवास्तव सर के वहाँ। चलिए देखते हैं इधर हमें क्या माहौल देखने को मिलता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कैसे होली का माहौल चल रहा है। और ये हमारे हैप्पी होली। और यहाँ अगर मैं जाता हूँ तो बचूंगा नहीं बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं कोई इसमें आपको पहचान में आने वाला नहीं है इस वक्त। आप यहाँ चेहरा पहचान के और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन है यहाँ पे। हाय, पूरे देश में होली आज ही है, पूरे देश में होली आज ही है। हालांकि कंफ्यूजन था कि आज होली है या नहीं है। और ये हमारे डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर संदीप नहीं हूँ। और असली होली का जो माहौल है वो हमें नहीं देखने को मिल रहा है। होली है हमारे डॉक्टर संदीप। होली है, असली होली का माहौल जो है हमें वो यहीं देखने को मिला है। किसी को आप यहाँ पहचान नहीं सकते हैं कि कौन कौन है। सही नहीं है क्योंकि माहौल काफी डेंजर था वहाँ पे और मेरा भी चेहरा पहचान में नहीं आया। फिर चलते हैं आगे देखते हैं और हमें क्या देखने को मिलता है। पूरे पटौना में जो हमें होली का माहौल देखने को मिला है वो हमारे नवजीवन हॉस्पिटल में ही देखने को मिला है। बाकी आप देखेंगे मेरे वीडियो में कि हर जगह खाली खाली और सूना लग रहा था, लेकिन असली होली का जो मजा है वो हमारे डॉक्टर साहब और उनके सारी फैमिली उठा रही थी। तो काफी अच्छा लगा है वहाँ जाके और वहाँ का माहौल देख के। ऐसा लग रहा था कि हाँ सही में आज होली है।
हम लोग हैं स्टेशन रोड की तरफ और यहाँ एक अलग ही माहौल चल रहा है और हमारे यहाँ पे गाना भाई विशाल बंद हो गया। देख सकते हैं आप ज्यादातर जो यंग एज वाले लोग हैं वो बाइक से होली मना रहे हैं, जैसे हम लोग बाइक से निकले हुए हैं और होली का तो नहीं लेकिन बाइक से घूमने में बहुत मजा आता है यंगस्टर लोग को। आपने देखा होगा ज्यादातर लोग बाइक से ही होली मना रहे हैं। तो सुभाष चौक के इस समय है और यहाँ माहौल जो है काफी सूना लग रहा है। यहाँ माहौल सूना लगने का रीजन ये है कि यहाँ जो है ज्यादातर लोग दुकान वाले हैं और बाहर के हैं जो दुकान बंद करके आज अपने घरों पे हैं और अगर यहाँ फैमिली रहती तो जरूर यहाँ भी हमें माहौल देखने को मिलता। आप देख सकते हैं सारी दुकानें बंद हैं यहाँ पे और इधर कुछ घर वगैरह है तो ये भी लोग अंदर घुसे हुए हैं। आप देख सकते हैं होली के लिए पूरा भूत बने हुए हैं लोग। ये हमारे दोस्त हैप्पी होली, ये हमारे दोस्त लोग हैं लेकिन हैप्पी होली इनका चेहरा आप पहचान नहीं सकते हैं पूरे रंग से भरे हुए हैं। रंग नहीं है, सब अमीर है। चलिए चलते हैं फिर। बाय बाय बाय। चलते हैं घर के तरफ। तो अभी हम लोग पडौना शहर का छोटा सा सैर करके आए हैं और आपने देखा होगा काफ़ी अच्छा पडौना में होली का माहौल था और हालांकि आज कोई ऑफिशियल ऐसा न्यूज़ था नहीं कि होली मनाया जाएगा लेकिन हमारे पडौना शहर में काफ़ी अच्छा होली मनाया गया है। अगर आज के ब्लॉग में आप भी वीडियो में आए हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।